दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, अभी जो है सभी जोन के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो मेडिकल की प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रियाएँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं और रोजाना बेसिस पर किसी न किसी जोन से इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है, DV कॉल लेटर्स आ रहे हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां भी देखने को मिली हैं, उनके ऊपर तो हम बात कर ही चुके हैं। आगे जो भी चीजें समस्या है उन चीजों को भी देखा जाएगा, लेकिन जो हमारी जो कोशिशें हैं, जो हमें करना चाहिए उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने एंड से, अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इस हिसाब से मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कुछ चीजों को लेकर के डाउट था, डॉक्यूमेंट को लेकर के उनके कमेंट्स आए, मैंने देखा, और काफी सारे स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि जो एनेक्सर्स हैं कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा हमें। तो वो मैं बताने वाला हूँ कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट को मांगा गया है, आपने नोटिफिकेशन में भी देखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, वो मैंने बता भी चुका है, आज भी दिखाऊंगा, और किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो दिखाऊंगा, और फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, साथ में इन फॉर्मेट्स को में कैसे बनेगा ये भी बताने वाला हूँ। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है, थोड़ा सा विवादित भी है, वो है EWS का सर्टिफिकेट। क्यों विवादित है? क्योंकि एक जोन में मैंने देखा है कि जहां पर बताया गया है कि EWS सर्टिफिकेट का जो वैलिड ईयर और जो फाइनेंशियल ईयर है, वो फाइनेंशियल ईयर उन्होंने बोला है कि 2018 से 19 का होना चाहिए, ऐसा उसमें क्लियरली लिखा हुआ है अभी नए वाले नोटिफिकेशन में, मैं दिखाऊंगा वो कहाँ पे है। और बहुत सारे ऐसे जोन है जहां पर इस वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, बस सिंपली लिखा गया है कि इस फॉर्मेट में बना होना चाहिए। एनेक्सर 3 इसका फॉर्मेट होता है, वो मैं दिखा दूंगा कौन सा है। तो ये सारी जो डाउट है इनका क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से कैसे किया जाएगा, क्या वैलिड ईयर होना चाहिए EWS का, फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, इसके अलावा जो OBC सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होता है, इसके अलावा जो EBC जो सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट है उनका जो सर्टिफिकेट होता है, इन सब का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस एनेक्सर में वो बना होना चाहिए, और वो एनेक्सर में बनवाने के लिए अभी आपको करना क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है। जो भी डेट इशू हो रहे हैं वो बहुत ही जल्दी, जैसे कि आपने देखा कि अभी प्रयागराज का आया कल और 13 तारीख से, यानी कि मुश्किल से 2 दिन का समय दिया गया, और ऐसे में कैसे किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं हैं आप सभी स्टूडेंट के सामने, तो इनको सोल्यूशन क्या है, अल्टीमेटली हमें इसी बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से लापरवाही करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपनी जो समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन ही करना एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो इस वीडियो में यही सारी इन्फॉर्मेशन होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे रिलेटेड जो भी अपडेट होती है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो यहाँ पर कंप्लीट आती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या चीज़ें मेंशन है और क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये वाला PDF दिखाऊंगा जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ प्रयागराज से कल के डेट में जारी किया गया था। अब इसमें मैंने जब देखा तो आपको बता दूं कि सीधे सीधे मैं यहाँ चलता हूँ जहाँ पर दस्तावेजों के लिए बुलावे की मांग की गई थी कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर के जाने होंगे और वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह, जन्मतिथि प्रमाण पत्र तो आपके स्कूल कॉलेज से मिला है, वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ से अनुलग्न 1 यानी कि एनेक्सर 1 में आपका अजा और अजा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये अनुलग्न 1 है क्या और ये फॉर्मेट आपको मिलेगा कैसे, दो बातें। तीसरी बात, जब आपने ऑलरेडी बनवा रखा है सर्टिफिकेट तो अब इतने कम समय में कैसे ये बनेगा, किस फॉर्मेट में कैसे हो सकता है। इस तरीके से अनुलग्न 2 के अनुसार आपका अति पिछड़ा वर्ग है, गैर क्रीमी लेयर, तो उसका प्रमाण पत्र। अनुलग्न 3 क के अनुसार ये है आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो होता है, उम्मीदवारों को गैर क्रीमी लेयर की घोषणा के लिए ये दिया गया है। यहाँ पे कुछ गलतियां मुझे भी लग रही है, हालांकि देखिए अभी एनेक्सर 3 आपको दिखाते हैं। एनेक्सर 3 के अनुसार लिखा गया आर्थिक रूप से कमजोर, जो कि EWS होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं होता, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, EWS होता है, के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाण पत्र। तब देखिए, EWS को परीक्षा शुल्क में किसी भी तरह का छूट नहीं होता है,
ये यहाँ पे तो गलत लिखा गया है। कुछ गलतियां हैं जो आरआरसी थोड़ी थोड़ी मिस्टेकों को कर रहा है। अभी इसमें एक मिस्टेक और आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक और क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डेट दिया ना चिकित्सा सत्यापन के लिए, आप देखिए 13 फरवरी 2022 दिया गया है। अब बताओ इस डेट से बैक डेट में कोई जाकर के कैसे कर सकता है? तो ये कहीं ना कहीं इनकी मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे 2023 होना चाहिए, आप समझिए खुद भी। तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर रहे हैं, और इसी तरीके से ये मिस्टेक नीचे भी किए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो इन्होंने दिया है, हाँ, ये वाला कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट नहीं होता है ना? आप ये जानते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नहीं, बल्कि ईबीसी जो होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जिनकी आय 50,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो इन्होंने किए हुए हैं, और मैं इसको जाकर के ऑफिस जरूर क्लैरिफाई करूंगा बाद में। ठीक है, अभी जैसे ही, अभी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू नहीं हुआ है, तो जैसे ही डाउनलोड होता है तो उसको मैं क्लैरिफाई करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि अनुलग्न 5 क 5 ख 5 ग लागू के अनुसार दिव्यांग के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो इस तरीके से ये जो अनुलग्न है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वह वो कहाँ से मिलेगा वो मैं बता देता हूँ अभी। तो देखिए इसके लिए आपको सिंपली क्या होगा कि जो आपका पहले के टाइम पर जो नोटिफिकेशन आया था, ये वाला डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन RRC 1/2019, इस वाले नोटिफिकेशन में ही सारी चीजें दी गई हैं, पैरा नंबर 18.4 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये आपको मिलेगा कहाँ से, तो आरआरसी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरा टेलीग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसको अभी के अभी पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे, तो ये सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। तो अब देखिए इसको, अब जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ से ये शुरू है, आप देख लीजिए, ये है एनेक्जर 2 और यहाँ से स्टार्ट होता है ये एनेक्जर 1। ठीक है, ये फॉर्म फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST। तो देखिए जो भी SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। अब अभी के टाइम पे ये कैसे बनेगा, तो देखिए आपने ऑलरेडी अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा और वो किसी न किसी फॉर्मेट में होगा। अगर इससे मैच करता है तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन अगर इससे मैच नहीं करता है तो आपको करना क्या होगा, इस पेज को आप डाउनलोड करिए। ठीक है, और इसमें जो भी चीजें हैं दी गई इनको फिलअप करिए। फिलअप करने के बाद जहां पर, जहां से आपने अपना सर्टिफिकेट इशू करवाया है, आप वहां पे जाइए, उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर सिग्नेचर साइन, साथ में अपना ओरिजिनल जो पिछला वाला है वो वाला डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा, उन्हें दिखाइएगा कि हमें ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को हमें इस फॉर्मेट में मांगा गया है। तो वो वहां पर आप जाकर के हैंड टू हैंड, आप यहाँ पे बाई हैंड सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप अपने जो भी, जहां से भी आपको इशू किया गया है आपका जो सर्टिफिकेट है, जिस भी ऑफिसर का उस पे साइन मुहर लगा हुआ है, उसी ऑफिसर, उसी ऑफिस में जाना है, उसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के साथ मिलना होगा, वहां पर जाकर के आपको साइन कराना होगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। एनेक्सर 2 में देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट की बात की गई है, जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो भी, अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है इस फॉर्मेट में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस पेज को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यहाँ पे साइन करने की बहुत बात की गई है, सील मुहर यहाँ पे लगेगी, तो इसी को, पेज को डाउनलोड कर लीजिए। बस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है अपना जो भी डिटेल है, जो ओरिजिनल वाला। आपको एक चीज और ध्यान देना है कि ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखें, ये क्लियरली मेंशन है। मैं वो नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, मैंने 3 RRC की नोटिफिकेशन डाउनलोड की है, तीनों RRC में क्या चीजें डिफरेंशिएट है डॉक्यूमेंट को लेकर के, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए ये चीजें हैं, एनेक्जर तो आपको पता चला है कि ये करना है, लेकिन एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा जो चीज मैंने बात करी है अभी के अभी, यहाँ पर ये है RRC सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे में अभी यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई है, जरा उसको आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करी गई है वो आप यहाँ पे एक बार क्लियरली देख लीजिए।
तो ये सारी चीजें दी गई हैं, एबीसी सर्टिफिकेट वगैरह की बात करी गई है, और ये भी बता दिया गया है, देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट आर दोज हुज फाइनेंशियल ईयर इनकम इज 50,000 लेस देन, सच कैंडिडेट शुड हैव वैलिड इनकम सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। तो ये पुराने रजिस्ट्रेशन की मांग करे हैं यहाँ पर कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था उस टाइम पर का भरा हुआ आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड सबमिट द सेम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलिंग विच देयर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। और अगर कोई ऐसा करने में फेल होता है, यानी कि आपके पास अगर पुराना वाला ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा मुंबई जोन के नोटिफिकेशन में ये दिया गया है। इसके अलावा एक चीज और आप यहाँ पे देखिएगा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो चीज है कि फॉर अवेलेबल रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी एनएससीएल कैंडिडेट शुड फर्निश कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट ऑथराइज्ड एज पर द फॉर्मेट गिवन एनेक्सर 1। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि एनेक्सर 1 जो है वो एससी एसटी के लिए है, एंड एनेक्सर 2 फॉर द ओबीसी एनएससीएल कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस फॉर ओबीसी एनएससीएल कैंडिडेट शैल बी करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये आपका अभी का बना होना चाहिए, 2022-23 का बना होना चाहिए, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसे इसकी मांग की गई है। तो ये आपको एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसीलिए आपको अपना डॉक्यूमेंट हर साल रिन्यू जरूर करवा लेना चाहिए, और उसके लिए फॉर्मेट तो बनाना आसान है, लेकिन नया डॉक्यूमेंट बनवाना में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, अगर आपके 2022-23 वाला है तो चल जाएगा, बस उसका फॉर्मेट जो है एनेक्सर 2 के अनुसार आप बनवा लीजिए। इसके बाद ये सारी चीजें दी गई हैं, और यहाँ पर एक चीज और मेंशन था, वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करी गई है, और जिसमें बदलाव किया गया था। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास 2018-19 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, है भी तो 2019-20 का है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे जगहों पे 2018-19 में ये बन भी नहीं रहा था। लेकिन बाद में इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट भी हुआ था, काफी सारे डिमांड रखी गई थी, और उसको चेंज भी किया गया था। मैं वो चेंज भी दिखाने वाला हूं आपको कि चेंज क्या आया था इसमें, और किस तरीके से मैंने उस चीज को वेरीफाई भी किया था ऑफिस में जाकर के, तो सर ने बताया भी था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देख करके एक मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आखिर में यहाँ पर क्लैरिफिकेशन इतना अच्छा क्यों नहीं है, है ना। तो इस चीज को मैं आपको दिखाता हूँ एक और पीडीएफ में, वो आप एक बार और उसे देख लीजिए। दूसरी चीज जो है वो आप समझिए, यहाँ पर देखिए इस पीडीएफ को देखिए आप, ये पीडीएफ देखिए आप, ये है दिल्ली जोन का, है ना, यानी कि RRCNR नॉर्दर्न रेलवे का है, और इसमें भी कुछ उसी तरीके से जो है मांग की गई है, हालांकि इसमें क्लियरली मेंशन है, सभी चीजें अच्छे तरीके से बता दी गई हैं, और वही सारी चीजें बताई गई हैं कि एससी एसटी एनेक्सर 1 होना चाहिए, ओबीसी एनेक्सर 2 होना चाहिए, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वही हम अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी इसे एनेक्सर 3 में बनवाना है, लेकिन यहाँ पर कोई फाइनेंशियल ईयर की बात यहाँ पे नहीं की गई है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। प्रयागराज वाले में भी नहीं बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, यहाँ भी नहीं बताया गया, और दूसरे आरआरसी में देखा तो वहां भी इस तरीके की बात नहीं की गई है, लेकिन मुंबई वाला जो जोन है वहां पर यह बता दिया गया है कि आपका 2018-19 का बना होना चाहिए। अब ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या सभी जोन में ऐसा होगा या मुंबई में गलत तरीके से किया गया है। लेकिन इसके लिए आपने देखा था कि एक अमेंडमेंट करा गया था, उस अमेंडमेंट को आपको जरूर देखना चाहिए कि उस अमेंडमेंट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए क्या बोला गया है। तो ये है कोरिगेंडम अमेंडमेंट नंबर 4। यहां पर जब मैंने देखा तो यहां पर एक चीज हमें दिखाई दी जो आपको समझना चाहिए। यहां पर ये जो अमेंडमेंट हुआ था, इशू हुआ था, ये 7 अप्रैल 2022 को हुआ था, और इसमें काफी सारे अमेंडमेंट किए गए थे बाद में जो कि जरूरी था, और इसमें जो सबसे पहला जो नंबर है उसी में ईडब्ल्यूएस सेक्शन के बारे में यहां पर बातें करी गई हैं। यहां पर दिया गया पैरा नंबर 8.4 डिटेल्ड सीईएन।
तो 8.4 पैरा नंबर में जो कि पेज नंबर 11 पे जो ओरिजिनल वाला है ये वाला उसको उसमें ईडब्ल्यूएच यानी वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन की बात करी गई थी और उसमें दिया क्या गया था कि द कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस ईएनआरआरसी 2019 फाइनेंशियल ईयर विल बी 2018-19 जैसा कि मुंबई वाले जोन में लिखा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 होना चाहिए क्योंकि जो क्लोजिंग डेट है वो 12 अप्रैल 2019 था। अब इस चीज को यहां पर चेंज कर दिया गया टू बी रीड एज और अमेंडेड एज। अब इसको अमेंडमेंट करके क्या बोला गया है कि द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2018-19 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 12 अप्रैल 2019। एनी सच सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल ऑल्सो बी कंसिडर एज द वैलिड ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए ये बात यहाँ पे लिख दी गई है कि इस चीज को चेंज किया गया है। हालांकि जो मांगा गया है वो ये मांगा गया था कि 2018-19 का होना चाहिए क्योंकि क्लोजिंग डेट ये है, लेकिन इसमें बोला गया आगे इसमें मेंशन किया गया इस लाइन के बाद कि ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जो इस डेट के बाद में भी इशू हुआ है वो भी वैलिड माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं आरआरसी सीआर मुंबई जोन को इस नोटिफिकेशन को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और स्टूडेंट को काफी ज्यादा इन्होंने डिस्टर्ब करके रख दिया है मुंबई जोन के छात्रों को। कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं हैं जो इनको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर अभी हम आपके लिए बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि आपको बस अपना फॉर्मेट सही करना है। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपको बता दूं तो आपके लिए किस तरीके से फॉर्मेट और मेरा जो है वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। यहाँ पे देखिए ये है एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 में आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये फॉर्मेट दिया गया है। आपने ऑलरेडी सर्टिफिकेट बनवा रखा होगा, अगर 2018-19 का बना हुआ है फाइनेंशियल ईयर तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि उस टाइम पे हैंड रिटर्न बन रहा था, ऑनलाइन बनता नहीं था और आपने हिंदी वगैरह इस तरीके से बन रहा था, कोई बात नहीं, आप इस तरह के फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें अपने डिटेल्स को फिल कर लीजिए और जिस भी ऑफिसर्स के द्वारा वहां पे पहले वाला जो साइन सिग्नेचर हुआ है, ऑफिसर तो हालांकि चेंज हो जाते हैं लेकिन ऑफिस जो होती है वो वहां पर जो भी उस पोजीशन पे दूसरे ऑफिसर होंगे उनको आप अपना पुराना वाला सर्टिफिकेट दिखा करके इस फॉर्मेट में बनवा लीजिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट क्या पुराना नहीं है, 2018-19 का नहीं बना हुआ है, तो उनके पास कोई भी हो 2019-20 का हो, 2020-21 का हो या फिर 2021-22 का हो, वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट वैलिड माने जाएंगे। और इसका क्लारिफिकेशन मैंने जब एनटीपीसी का हो रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम पर जा करके भी मैंने इसे क्लारिफाई किया था। वहां पर हमने उनको, उन्होंने खुद ऑफिसर ने यहाँ पर मुझे जो ये अमेंडमेंट है इसको उन्होंने खुद दिखाया था और इसे दिखा करके उन्होंने बात कही थी। हालांकि ये जो अमेंडमेंट है वो इसी कंसर्न में किया गया था, आप देख सकते हो इसका जो अमेंडमेंट है वो है CEN नंबर RRC 1-2019 लेवल 1 पोस्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये NTPC के लिए ही बस था, ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है लेवल 1 पोस्ट के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जरूर इन चीजों को देखिए समझिए और इस तरीके के फॉर्मेट बस आप बनवा लो, आपको और कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी एनेक्सर 5B और 5C की बात करें तो वो भी आप देख लीजिए, ये जो 5BC जो एनेक्सर्स बने हुए हैं ये किसके लिए हैं और क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए जो भी डिसेबल कैंडिडेट हुए, ठीक है, जितने भी डिसेबल कैंडिडेट होते हैं ये उन्हीं के लिए है, आप ये देख लीजिए। थर्ड ए जो होता है वो EBC के लिए होता है, EBC के जो कैंडिडेट हैं आपको पुराना वाला ही देना होगा, ऐसी बात इसमें लिखी गई है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेक्सर 5A। 5A जो है वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है। यहाँ पर लिखा गया इन केस ऑफ एम्पटेंस और कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्ब्स, है ना, कंप्लीट पैरालिसिस है, ड्वार्फनिज्म है यानी कि बौनेपन की शिकार है आप, ब्लाइंडनेस है, तो ऐसे में आपको एनेक्सर 5A बनवाना होगा। इस फॉर्मेट में सारी डिटेल आप फिल कर दीजिएगा। इसके अलावा एनेक्सर 5B उन स्टूडेंट को बनवाना होगा जो कि इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, है ना, बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं आपके अंदर, तो उन डिसेबिलिटीज को यहाँ पर आपको यस नो डायग्नोसिंग क्या हुआ है, कितने परसेंट आपकी ठीक है
है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे फिलअप करनी होगी और इसी फॉर्मेट में फिल करके आपको ले जाना होगा। इसके अलावा एनेक्सर 5C जो है इसमें लिखा है इन केस ऑफ अदर देन दोज मेंशन इन फॉर्म 5 एंड 6, तो 5 और 6 में जो मेंशनड नहीं है उसके अलावा भी आपके पास डिसेबिलिटीज हैं तो आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट को फिल करके ले जाना होगा। साथ में 5D भी लेके जाना है किन कैंडिडेट को, तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग स्क्राइब, तो इसकी जरूरत नहीं है, है ना, ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट हैं और इन फॉर्मेट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो RRC की वेबसाइट पे, अदरवाइज आप मेरा जो है वो टेलीग्राम पेज जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अभी मैं इसको पोस्ट कर दे रहा हूँ और ये आपको वहां से पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ये सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना रखेंगे, आगे जो भी आपकी डाउट समस्या है कुछ भी तो जरूर मेरे साथ शेयर करिए, है ना, आपको जरूर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बाकी वीडियो को आप जरूर लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद जय भारत।